साल के सबसे शक्तिशाली चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने देश के कई राज्यों के लिए खतरा पैदा कर दिया है। खासकर गुजरात, मुंबई और केरल के तटीय राज्यों को तूफान से ज्यादा खतरा है। इसी कारण बिपरजॉय को लेकर राज्यों से लेकर केंद्र की चिंता बढ़ी हुई है। मौसम विभाग की माने तो अरब सागर में एक डीप डिप्रेशन के चक्रवाती तूफान के तौर पर बिपरजॉय पैदा हुआ है और उत्तर दिशा में तेजी के साथ बढ़ रहा है। जहाँ इस तूफान से उन राज्यों को राहत मिलेगी जो इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है, तो वहीं कोस्टल इलाकों के लिए ये बड़ा खतरा बताया जा रहा है। 15 जून को कहर बरपाएगा बिपरजॉय। साइक्लोन बिपरजॉय एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोस्टॉर्म, जैसे ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी और इसका आसपास नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी वहाँ केंद्रीभूत है। पोरबंदर से लगभग 300 किलोमीटर दूरी पे दक्षिण पश्चिम दिशा में ये केंद्रीभूत है। ये धीरे धीरे लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड में उत्तर की दिशा में बढ़ रहा है और ये 14 तारीख सुबह तक उत्तर दिशा में चलेगा आसपास। इसके बाद इसका दिशा परिवर्तन होगा और वीक भी धीरे धीरे थोड़ा होगा और एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे विथ विंड स्पीड ऑफ 125 to 135 किलोमीटर/आवर, गोस्टिंग 250 किलोमीटर/आवर, सौराष्ट्र कच्छ कोस्ट और इसके आसपास पाकिस्तान कोस्ट को हीट करेगा 15 तारीख नून के आसपास। गुजरात पर मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। गुजरात के सौराष्ट्र में तूफान को लेकर 15 जून तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। कच्छ, जामनगर, मोरबी, गिर सोमनाथ, पोरबंदर और देवभूमि द्वारिका में भी तूफान को लेकर हाई स्पीड हवाओं और बारिश का खतरा बना हुआ है। बिपरजॉय साइक्लोन को लेके सारी तैयारियां हो गई है। फिलहाल हम कच्छ के इलाके में हैं, जो कच्छ का नलिया और जो मांडवी है उसमें काफ़ी असर दिखने वाला है। मांडवी के अंदर जो अभी समुद्र है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्कुल करंट देखने को मिल रहा है, इसमें जो है उछाल देखने को मिल रहा है। सामान्य तौर पे ये मांडवी का बीच बिल्कुल शांत रहता था, लेकिन आज से ही इसकी शुरुआत होगी। आपको जो समुद्र में करंट देखने को मिल रहा है, फिलहाल 2 दिन का और समय, उसके बाद जो है वो जो कच्छ से गुजरने वाला है बिपरजॉय साइक्लोन, ऐसी बात सामने आ रही है और काफ़ी आक्रामक बन के जो आगे आ रहा है, जिसको लेके जो तंत्र है वो सारी तैयारियां कर चुकी है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार गुजरात में तूफान से पहले कड़ी तैयारियां की जा रही हैं। गुजरात के मांडवी में मछुआरों को तटीय क्षेत्र के पास न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने कमर कस ली है। बाढ़ के अंदेशा को देखते हुए गुजरात सरकार ने निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना शुरू कर दिया है। भयजनक मतलब जो नीचान वाले क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उन्हें शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया है। साइक्लोन इफेक्टेड एरियाज में इसी प्रकार से शेल्टर होम हर एक तालुका में बनाए गए हैं, वहाँ पे इन लोगों को शिफ्ट किया गया है और सभी प्रकार की व्यवस्था वहाँ शिफ्ट किए गए लोगों के लिए की गई है। कुल मिला के 4000 परिवार जितने लोगों को शिफ्ट करना है, हमारा 50% से ज़्यादा काम शिफ्टिंग का हो गया। बिजली, पानी और रोड, ये सभी व्यवस्थाओं के लिए भी टीम बन चुकी है और सभी टीम अपने अपने क्षेत्रों में कामगिरी कर रही है। एनडीआरएफ की 2 टीम द्वारका को एनायत की गई है और 2 एसडीआरएफ की टीम एनायत की है। द्वारका में कोस्ट गार्ड ऑलरेडी अवेलेबल है, द्वारका में दूसरी भी टीम पर्याप्त यहाँ पे अवेलेबल है। आंधी, तेज बारिश से मुंबई होगी बेहाल। मौसम विभाग के मुताबिक पहले से ही भीषण तूफान का रूप ले चुका है बिपरजॉय। रविवार को मुंबई से लगभग 540 किलोमीटर पश्चिम में स्थित था। मुंबई में 11 जून की रात भी मौसम खराब होने के चलते कई उड़ानें प्रभावित हुई और यात्रियों को एयरपोर्ट पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिपरजॉय के कारण एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ ने मुंबई में पहले से उपलब्ध 3 टीमों के अलावा 2 और टीमों को भी तैनात किया है। 15 जून से मुश्किलें और बढ़ने की संभावना है और मुंबई में रत्नागिरी, रायगढ़, ठाणे, पालघर, कोल्हापुर में तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है।